शिक्षक द्वारा छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जिसमें छात्राओं ने महाविद्यालय के शिक्षक पर आरोप लगाया है कि शिक्षक ने बदले की भावना से 50 छात्राओं को परीक्षा परिणाम में सप्लीमेंट्री दे दी, जिस वजह से छात्राओं का भविष्य खतरे में आ गया। छात्राओं ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में शिक्षक के खिलाफ शिकायत की। मामला डिंडौरी का है, जहां शासकीय महाविद्यालय बजाग में पढ़ने वाली छात्राओं ने महाविद्यालय के एक शिक्षक अरविंद डहरिया को हटाने की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक कक्षा में बदले की भावना रखते थे। उन्होंने 50 छात्राओं को परीक्षा में सप्लीमेंट्री दे दी और पास कराने के लिए उनसे पैसे मांग रहे हैं। छात्राओं ने इस मामले की शिकायत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ध्रुवे के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर की। छात्राओं की मांग है कि शिक्षक को हटाया जाए और परीक्षा के पेपर को फिर से चेक किया जाए। जो अरविंद डहरिया सर हैं, उन्हें हमें निकालना है, क्योंकि उनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो हमसे पैसे के लिए मांग करते हैं और फिर मतलब स्पोर्ट की जो क्लास है वो एक भी दिन नहीं लिए हैं, और हम 50 बच्चों की मतलब सप्लीमेंट्री आई है और उनके कारण हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। आज हमारे बजाग ब्लॉक के हमारे कॉलेज के स्टूडेंट आई हैं, पर आज ये मैं इसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को इतनी दूर से आना पड़ा। आज उनका पेपर है, उनकी एक समस्या है। उनके एक टीचर हैं डहरिया जी, जो बेटियों को मानसिक रूप से और कई चीज़ों में परेशान करते और कहते कि हम नंबर कटवा देंगे अगर तुम लोगों ने कंप्लेन करी। उस समस्या को लेकर सारी बेटियाँ आई थी कलेक्टर साहब के पास। कल एक टीम भी जाएगी और 13 तारीख को पूरी जबलपुर से जांच टीम आ रही है, जो मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, और हम तुरंत वहां से डहरिया जी को और प्रिंसिपल की भी जो शिकायतें हैं उसके तहत कार्रवाई कराएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।